गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाबू के साथ ठीक है सो so, एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन फोर थाउजेंड मे बी फॉर्म विद द डिजिट्स वन टू थ्री फोर एंड सिक्स इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड मतलब इसका मतलब क्या है आप लोग ए डिजिट्स का हेल्प लेके वन टू थ्री फोर एंड सिक्स कितने सारे नंबर्स बना सकते हैं जो कि लेस देन फो थाउजेंड होगा फोर थाउजेंड से छोटा होना चाहिए ठीक है एंड साथ में क्या होना पड़ेगा ऑड नंबर्स होना पड़ेगा ऑड नंबर्स का मतलब क्या है जो नंबर टू से रिवार्ड नहीं जाता है ठीक है और साथ में कंडीशन क्या दे रही है दट इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड मतलब क्या आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो ठीक है अभी देखो आप अगर मैं कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर बनाता हूँ तो ऑब्वियसली वो लेस देन फोर होगा टू डिजिट का नंबर होने से वो फोर से छोटा होगा थ्री डिजिट का नंबर भी फोर थाउजेंड से ऑब्वियसली छोटा होगा और अगर आप फोर डिजिट का नंबर लेते हो उसको भी हम लोग फोर थाउजेंड छोटा कुछ नंबर्स बना सकते हैं टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस डिजिस वन टू थ्री फोर एंड सिक्स ओके तो अभी हम लोग डिटेल्स में जाते हैं देखो फॉर वन डिजिट नंबर फॉर वन डिजिट नंबर देर आर टू चॉइसेस अभी क्या बोलेगा हम ऑड नंबर बोला गया अभी ऑड नंबर होने के लिए ऑड डिजिट होना पड़ेगा तो या तो वन होना पड़ेगा या तो थ्री होना पड़ेगा तो हम लोगों के पास चॉइसेस कितने हैं दो तो चॉइसेस है ना तो फॉर वन डिजिट नंबर देर आर टू चॉइसेस वन और थ्री हैंस इट कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज ऑलराइट फॉर टू डिजिट नंबर द यूनिट प्लेस कैन बी फील्ड इन टू वेज अभी दो डिजिट के लिए देखो दो डिजिट के लिए यूनिट प्लेस जो है उसके पास दो ऑप्शन है या तो आपको वन बैठाना पड़ेगा या तो थ्री बैठाना पड़ेगा दो ऑप्शन है आपके पास ठीक है एंड बाकी इसका पहले जो प्लेस है उसका पहला जो प्लेस है उसके पास आपका कितना ऑप्शन हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच ऑप्शन हो जाएगा राइट तो इसके लिए दो ऑप्शन है इसके लिए कितना हो जाएगा पाँच ऑप्शन ठीक है ना द यूनिट प्लेस कैन बी फील्ड इन टू वेज एंड द रिमेनिंग प्लेस दट इज रिमेनिंग प्लेस मोटर प्लेस कैन बी फील्ड बाई फाइव वेज दस द टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर कितना हो सकता है टू इंटू फाइव का थ्रू टेन वेस ठीक है दो इसके लिए एंड पाँच इसके लिए ठीक है ना अभी थ्री डिजिट पे आते हैं द यूनिट प्लेस कैन बी फील्ड इन द यूनिट प्लेस कैन बी फील्ड इन थ्री वेज दूनट प्लेस कैन फील इन थ्री वेज एंड द रिमेनिंग प्लेस कैन बी फील इन फाइव वेज इच ठीक है in, uh, uh, तो यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पर थ्री वेज नहीं होगा दूनिट प्लेस कैन बी फील्ड इन टू वेज हो जाएगा कितना होगा टू वेज हाँ दैट विल बी टू वेज बिकॉज इसमें हम लोग ऑप्शन क्या रहेगा दो ही रहेगा है ना इसके लिए ऑप्शन हम लोग दो ही रहेगा या तो वन और थ्री एंड यहाँ पे भी फाइव ऑप्शन रहेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पे देखो डिजिट्स कैन भी रिपीटेड बोला गया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेस एंड द रिमेनिंग प्लेसेस कैन भी फिल्ड बाई फाइव वेज इच दर्ज द टोटल नंबर थ्री डिटिटिट नंबर सिकॉज टू इन टू फाइव इंटू फाइव तो ये मैंने यहाँ पे ठीक लिखा यहाँ पे वो लिख दिया था ओके टू इंटू फाइव इंटू फाइव इकोसो फिफ्टी वेज मतलब यहाँ पे तो आपका आप, आपको दो ही ऑप्शन रहेगा लास्ट के लिए या तो वन और थ्री लेकिन यहाँ पे आपके पास पांच ऑप्शन है या पे भी आपके पास पांच ऑप्शन तो है क्यों बिकॉज डिजीज कैन भी रिपीटेड नहीं तो ऑप्शन कम जाते हैं ठीक है अभी फॉर फोर डिजिट नंबर अभी फोर डिजिट नंबर के लिए देखो द यूनिट प्लेस कैन भी फील्ड बाई वन और थ्री दैट इज टू वेस्ट सेम दो दो ही तरीका है द फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड द फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड बाई वन और टू और थ्री दैट इज थ्री वेस्ट अभी पहला प्लेस को यहाँ पे तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है या तो वन बैठना पड़ेगा और थ्री बैठना पड़ेगा राइट अभी जो पहला प्लेस है वहाँ पे भी हम लोग को एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है क्या हम लोग यहाँ पे सिर्फ वन यूज़ कर सकते हैं टू एंड थ्री ये तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते है क्यों बिकॉज पास नंबर भी लेस देन फोर थाउजेंडा अगर स्टार्टिंग का नंबर फोर हो जाए फाइव हो अगर सिक्स बैठ जाए तो ऑब्वियसली नंबर क्या होगा फोर थाउजेंड से बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग वन टू और थ्री का हेल्प ले सकते हैं क्या देखा हूँ द फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड बाय वन और टू और थ्री इज थ्री वेज एंड द रिनिंग प्लेसेज कैन बी फील्ड बाय फाइव वेज इज एंड इसके लिए देखो इसके लिए आपका दो ऑप्शन है इसके लिए आपका तीन ऑप्शन है या तो वन टू और थ्री बाकी इसके लिए पाँच ऑप्शन है इसके लिए भी पाँच ऑप्शन है तो अल्टीमेटली कितना हो रहा है इसके लिए तीन ऑप्शन इसके, इसके लिए पाँच ऑप्शन इसके लिए पाँच ऑप्शन इसके लिए दो ऑप्शन और तीन ऑप्शन पाँच ऑप्शन पाँच ऑप्शन दो ऑप्शन देखिए वन फिफ्टी वेस दस टोटल हम लोग कितने नंबर्स बना सकते हैं जो कि फोर थाउजेंड से छोटे होंगे तो पहला होगी ये वन इज इसके लिए टू प्लस टेन प्लस फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी तो टू प्लस टेन प्लस फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड ट्वेल्व वेस ओके ओके हम लोग कंटिन्यू करते हैं देखो देर आर थर्टी स्टेशन ऑन रेलवे लाइन हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल फर्स्ट फर्स्ट क्लास टिकट्स मस्ट बी प्रिंटेड सो एज टू एनेबल पैसेंजर टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर अभी देखो आप स्टेशन पे जा रहे हो मतलब एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन अभी आप एक टिकट से कितना स्टेशन मतलब कवर कर सकते हो इधर साइड उधर मतलब दो स्टेशन आप कवर कर रहे हो आप इधर आओ राइट भी डायरेक्शन पे जाओ आप मतलब एक टिकट से कितना कर रहे दो स्टेशन कवर कर रहे हम लोग स्टेशन है स्टेशन से. तो वही चीज सिंस टू ट्रेवल बिटवी टू स्टेशन दस टोटल नंबर ऑफ सिंगल फर्स्ट क्लास टिकेट्स रिक्वॉर्ड लिखा थर्ट पी टू थर्टी पी टू मिसो थर्टी फैक्ट्रोल थर्टी माइनस एट इक्वल्स टू थर्टी इंटर एट फैक्टोरियल डिवाइड बाई ट्वेंटी एट फेक्ट कर जाएगा तो अल्टीमेटली थर्टी इन टू ट्वेंटी नाइन होगा तो एट हंड्रेड सेवेंटी टिकट्स राइट तो टोटल एट हंड्रेड सेवेंटी टिकट्स का जरूरत पड़ेगा ओके okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक लेते हैं जो कि सर्कुलर कॉम्पिटिशन से है इन हाउ मनी वेज कैन फाइव मै एंड फाइव वोमेन बी सीटेड राउंड द टेबल तो मैंने एक टेबल बना दिया जिसमें पाँच वोमेन एंड पाँच मैन बैठ सकते हैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस भी डन इफ नो टू वुमेन सीट टूगेदर इफ नोट वोमन सेट टू कर मतलब दो औरत एक साथ में नहीं बैठ सकती है ठीक है तो अभी देखो इम्पॉर्टेंट बात क्या है हम लोग को मालूम है सर्कुलर कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्मला क्या होता है अगर एन ऑब्जेक्ट्स होता है तो सर्कुलर इज गवन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल आई होप यू रिम्बर ये चीज़ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पड़ते वक्त सीख लिया था राइट अगर एन ऑब्जेक्ट्स होता है तो टोटल कितने तरीके से सर्कुलर में बैठ सकते हैं रेड फैक्टोरियल एन माइनस वन और राइट एक कम होकर ठीक है याद रखना आपको तो अभी टोटल क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव मैन एंड फाइव वोमेन बी सीट राउंड टेबल ठीक है टोटल पांच मैन है एंड पाँच तो कितना हो गया दस हो गया राइट तो फाइव फाइव मैन एंड फाइव वोमन कैन बी सीटेड अराउंड द टेबल इन फाइव प्लस फाइव टेन माइनस वन इज इंग दिसमरा एन माइनस वन फैक्टोरियल टेन माइनस वन कितना होगा नाइन फैक्टोरियल बेस अभी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आप देखते हो तो देखो यहाँ पे नाइन फैक्टोरियल बेस हो गया ना बिकॉज इज दिसमला एन माइनस वन फैक्टोरियल टोटल फाइव प्लस वन कितना टेन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर आप देखो क्या क्या दिया हुआ इन हाउ मेनी वेस कैन दिस बी डन इफ नो टू वोमेट टुगेदर मतलब दो औरत एक साथ में नहीं बैठ सकते राइट दो औरत एक साथ में बैट, पकड़ लो बैठने से झगड़ा करेगी तो इसलिए एक साथ नहीं बैठ सकता तो पहले हम लोग क्या करना है मैन को बैठाना है तो पहले मैंने थोड़ा यहाँ पे मैन बैठा दिया है एक दो तीन चार पाँच पाँच मैन को बैठा दिया ठीक है अभी मैन के बीच में जो गैप्स है बोला गया ना नो टू वोमेन शूट शूट सीट टुगेदर तो गैप्स में मैंने वोमेन को बिठाना है हम लोग को राइट तो पहले आप देखो पाँच मैन जो है पाँच मैन कितने तरीके से बैठ सकता है तो आपका ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है सर्कुलर कॉम्पिटिशन का तो पहले हम लोग मैन को बैठाएँगे राइट तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है हम लोग को देखो फर्स्ट मैन कैन बी सीट अराउंड टेबल इन फाइव माइनस वन फैक्टोरिया रिकॉर्ज फोर फैक्टोलवेज तो पाँच मैन को हम लोग कितने तरीके से बैठा सकते हैं फोर फैक्टुलवे से बैठा सकते हैं ठीक है थेके? अभी पाँच मैन के बीच में गैप्स कितने हैं एक दो तीन चार पाँच तो गैप्स कितने हैं पाँच ऑल राइट सो अभी देखो एंड द रिमेनिंग फाइव वैकेंट प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई फाइव वोमेन इन फाइव पी फाइव ऑलसो फाइव फैक्ट्रल वेस्ट अभी आप पूछ सकते हो सर यहाँ पे फाइव माइनस वन फोर फैक्ट्रोल क्यों नहीं होगा बिकॉज देखो अभी गैप्स में बैठ रहा है यहाँ पे ऑल राइट तो ये सार्कुलर पॉम्बिशन नहीं होगा तो पाँच गैप्स के लिए पाँच वुमेन है इसलिए फाइव पी फाइव आ गया ठीक है अगर अगर आपने यहाँ पे सार्कुलर पार्मिटन फॉर्मला फौम, फिर से यूज़ कर दिया तो आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा क्योंकि पहले मैन बैठ रहा है एंड गैप्स के बीच में वुमेन बैठ रहा है तो वहाँ पर सर्कुलर पॉम्बिस का फॉर्मला यूज़ नहीं होगा यहाँ पर सर्कुलर पार्मोटेशन फॉर्मला यूज़ नहीं होगा लेकिन सिर्फ यहाँ पे होगा सेटिंग पे एंड यहाँ पे होने वाला है ऑल राइट ओके तो अभी दस टोटल नंबर ऑफ वेस फाइव मैन एंड फाइव वुमन बी सीटेड राउंड द टेबल सच दैट नो टू वुमेन सीट टुगेदर तो पहले मैन कितने तरीके कि से बैठ सकता है फोर फैक्टुल वेल से बैठ सकता है एंड पाँच वुमेन कितने तरीके से बैठ सकता है फाइव फैक्टूल तो एंसर किया जाएगा फोर फैक्टुल टू फोर फैक्ट्रेल वैल्यू कितना है ट्वेंटी फोर फाइव फैक्ट्रल कितना है वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना निकल जाएगा टू एट एट जीरो वेज और राइट